मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां तरकुलहा देवी के दर्शनोपरांत 2,12,88,000 की लागत से तरकुलहा मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया तथा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देशित संबंधित को दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भव्य मंदिर एवं शहीद बंधु सिंह की भव्य प्रतिमा बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्मारक निर्माण के लिए धनराशि अलग से दी जाएगी तथा तरकुलहा देवी स्थान पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र की बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा शहीद बंधु सिंह के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ यह स्थल है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान का ही परिणाम है कि हमें आज़ादी हासिल हुई है। हमें शहीदों के बलिदान एवं त्याग को हमेशा याद रखना है तथा आज़ादी की कीमत को समझना होगा। मुख्यमंत्री ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष 2021 के अवसर पर भव्य आयोजन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जिला प्रशासन को देते हुए कहा कि 2021 में जनता को एम्स तथा 26 वर्षों में से बंद पड़े खाद कारखाने को समर्पित किया जाएगा जिससे लोगों को नौकरी रोजगार आदि मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंद चीनी मिलों को चालू करने का भी कार्य किया जा रहा है और पिपराई चीनी मिल प्रारंभ होगी जिसमें चीनी उत्पादन के साथ ही एथेनॉल से ईंधन तैयार किया जाएगा जिससे किसान नौजवान खुशहाल होगा। आने वाले 2 वर्ष गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव से गरीबों का विकास किया है और उनके हित में अनेक योजनाएँ संचालित किया है। देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है। भारत के गरीबों का हक उन्हें मिले इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विकास की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वागत भाषण विधायक चौरी चौरा संगीता यादव तथा आभार ज्ञापन विधायक विपिन सिंह ने किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद, विधायक शीतल पांडे, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिलाधिकारी के वी एन पांडेयन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे। बहुत हर्ष उल्लास के साथ कह रहा है कि नवरात्रि का पावन दिन
कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जयप्रकाश मिश्रा विरासत को समन्वय से जय श्री कपूर जी दीपक जयसवाल जी डॉक्टर जयसवाल जी और उपस्थित नागरिक बंधुओं आज साल के नवरात्र का पहला दिन है और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि शहीद बंधु सिंह की इष्ट देवी माँ प्रकुलाह के दर्शन करके मैं भी यहाँ पर आपके साथ सौभाग्य का सहभागी बन सकूँ। इस दृष्टि से शारदीय नवरात्र की आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, नवरात्र का यह पर्व हम सबको मातृशक्ति की आराधना उनके सशक्तिकरण और उनके संरक्षण की प्रेरणा देता है। आप मोबाइल से बना करेंगे पूरे देश के अंदर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग तिथियों में आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान करेंगे, पूजा दर्शन करेंगे और दसवीं तिथि को भगवान राम की लंका पर विजय के फलस्वरूप विजयादशमी के पर्व को भी मनाएंगे और रावण का पुतला दहन भी करेंगे। धर्म की अधर्म पर विजय का, सत्य की न्याय पर विजय का और न्याय का अन्याय पर विजय का पर्व है विजयादशमी। माँ भगवती दुर्गा शक्ति के अधिष्ठात्री देवी है। कहते हैं कि चराचर जगत के प्रत्येक कण कण में शक्ति विराजमान है, तो शक्ति का आधार है माँ भगवती दुर्गा। तो माँ भगवती दुर्गा का ही एक रूप है माँ त्रिपुरा देवी। आप सोच सकते हैं 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद वीर बंधु सिंह की इष्ट देवी, जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने के लिए प्रण लिया था और उस प्रण के अनुरूप अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने जब इस पूरे क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करने की कार्रवाई प्रारंभ की तो अंततः अंग्रेजों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गोरखपुर में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। कहते हैं कई बार फांसी दिए जाने के बावजूद शहीद बंधु सिंह पर फांसी का फंदा लगता ही नहीं। अंततः उन्होंने मां से प्रार्थना की कि अब बहुत हो गया है, एक बंधु सिंह जाएगा, कई बंधु सिंह पैदा होंगे। और कहते हैं कि बंधु सिंह को फांसी लगती है, तरकुलहा देव में यहाँ पर खून की धारा बहती है और माँ अपने भक्त पर कृपा करके उन्हें अपने पास से बुला लेती है। यानी भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ यह स्वर्णिम पृष्ठ भारत की स्वाधीनता के आंदोलन के साथ भी हमारे मठ मंदिरों के योगदान का स्मरण कराता है और ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि एक तरफ जहां हम इस अवसर पर
माँ प्रतुला देवी के सुंदरीकरण की योजना के साथ आपके पास पहुंचे हैं। मैंने यहाँ पर जिला प्रशासन से कहा है कि पहले चरण में हम लोगों ने प्रतुला देवी इस मंदिर के यहाँ पर पुनरुद्धार की कार्रवाई के लिए 2,12,88,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। वहां पर शहीद बंधु सिंह का भी एक स्मारक बना चुके, उस स्मारक के लिए अलग से धनराशि हम लोग देने जा रहे हैं। भव्य स्मारक का स्मारक, वाचनालय, पुस्तकालय, विश्रामालय, धर्मशाला और अन्य चीजों का निर्माण वहां पर होगा ही। हम सब के लिए गौरव की बात है कि 2021 और 22 चोरी चोरा कांड का शताब्दी वर्ष भी है और इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र में कुछ भव्य आयोजन होने चाहिए, बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए। 2021 में इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2021 में हम लोग गोरखपुर के एम्स को फुल फ्लेज एम्स गोरखपुर और पूर्वांचल की जनता को देने जा रहे हैं। 2021 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और यहाँ के लोग फिर से गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना एम्स और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, धर्मस्थलों का सुंदरीकरण हो रहा है, चीनी मिलें, बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस वर्ष हम लोग पिपराइच की चीनी मिल को चलाएंगे, पहले वह मात्र 2,500 क्विंटल पेराई करते थे और अब जब इस सत्र से पिपराइच चीनी मिल चलेगी तो 50,000 क्विंटल चीनी पेरने का कार्य करेगी। चीनी भी कैसे बनेगी, सल्फर फ्री चीनी, और जितना चीनी की आवश्यकता होगी उतना चीनी बनाएंगे, शेष हम उसे इथेनॉल बना करके उसका उपयोग हम लोग डीजल पेट्रोल के रूप में उपयोग करेंगे, यानी विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, रोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा और साथ साथ यह भी कि किसान खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा, एक अच्छा संस्थान गोरखपुर में बनेगा, ढेर सारे लोगों को नौकरी लेकर के भी आएगा। आने वाले 2 वर्ष गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि अनेक योजनाएं पूर्ण होकर के मूर्त रूप लेगी और विकास के साथ साथ रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि यहाँ पर शहीद बंधु सिंह को हम स्मरण कर सके, उनके प्रति श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ा सके और साथ साथ उनके द्वारा जो इष्ट देवी यहाँ पर स्थापित की गई थी माँ त्रिकुणा देवी के चरणों में भी नमन करके माँ त्रिकुणा देवी से इस क्षेत्र के विकास के बारे में कामना कर सके। आज ये अवसर हम सब के सामने आया है और इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के कार्यकाल को आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का देखा होगा। मोदी जी के 5 वर्ष का कार्यकाल, पहले 5 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण और देश के बुनियादी ढांचागत विकास के जिससे महत्वपूर्ण कार्यकाल, बिना भेदभाव के गरीब को मकान मिल जाना, बिना भेदभाव के गरीब को शौचालय मिल जाना, बिना भेदभाव के गरीब को विद्युत का कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, बिना भेदभाव के हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल जाना और बिना भेदभाव के हर गरीब को
5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाना। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल में ही संभव है। हमने विकास की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जो सही मायने में इसके हकदार थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत को कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है, अभी पिछले सप्ताह आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे और किसी भारतीय समुदाय के द्वारा अपने प्रधानमंत्री के स्वागत सम्मान के लिए किए गए कार्यक्रम में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति की उपस्थिति होती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जो संबोधन दिया, उन्होंने कहा मोदी जी भारत के अंदर फादर ऑफ नेशन की तरह हैं, जिन्होंने भारत की अराजकता, भारत की दुर्व्यवस्था, भारत के अंदर किसी प्रकार की भ्रष्टाचार अनाचार को दूर करके भारत को एक नई दिशा देकर के वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाने का कार्य किया है। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान और भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतिफल है। आप मजबूत होंगे कोई आपको पूछेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ रहा है और आस्था के इन प्रतीकों के सुंदरीकरण के लिए व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, अन्य जनप्रतिनिधि गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, उन सबको बधाई देता हूं। विकास कार्य में रुचि लेने के लिए साधुवाद भी देता हूं, क्योंकि जब ये लोग प्रस्ताव करते हैं तब ये कार्य आगे बढ़ पाते हैं। और मां त्रिपुला देवी का मंदिर तो गोरखपुर ग्रामीण और चोरी चोरा विधानसभा का एक जंक्शन है, विकास इसका होना ही चाहिए। और जिससे हम लोगों ने पहले चरण में 2,12,88,000 रुपए स्वीकृत करके उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों से भी कहूंगा और जिला प्रशासन से भी कहूंगा, भव्य मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। भव्य स्मारक भी बनना चाहिए और उनकी भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर लगानी चाहिए। एक वर्ष के अंदर करके दिखाएं और अगले एक वर्ष के दौरान जिला प्रशासन अभी से तैयारी करें 2021-22 में चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष पूरे होंगे। चोरी चोरा कांड ने देश की आजादी को एक नई दिशा दी थी। इस चोरी चोरा कांड में शहीद होने वाले उन शहीद सभी अमर शहीदों की स्मृति का, उनका परिचय और उस परंपरा को और आने समृद्ध करने के लिए आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा प्रकाश प्राप्त कर सके, इस देश से और भव्य स्वरूप दे जाने की आवश्यकता है। चोरी चोरा में इसके विकास के जोश को लेकर योजना तैयार करें, जिससे हम लोग जब 2021-22 में इस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी का आगमन जब गोरखपुर में 21 में हो और उस दौरान यहाँ पर विकास की योजनाओं के साथ साथ हम अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर सके और विकास के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सके। आपके कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है, एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए, क्योंकि इन शहीदों के बलिदान का परिणाम है देश की आजादी। इन शहीदों के त्याग और बलिदान का परिणाम है कि हम आजादी का रसा स्वादन कर पा रहे हैं। और इन शहीदों का परिणाम है कि आप कितने उन्मुक्त वातावरण में आज मां त्रिपुला देवी का दर्शन भी कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर अंग्रेजों का शासन होता क्या हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हो पाते? नहीं हो पाते। क्या हम मंदिर में दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते।
भाइयों बहनों, ये देश की आजादी का पैमाना है। उस आजादी की कीमत को हमें समझना होगा और उस आजादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजस्विता के साथ आगे बढ़ रही है, प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य बनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ उनके साथ खड़े हो। आपने देखा होगा पहले 5 वर्ष गरीब कल्याण के और विकास के और दूसरा 5 वर्ष का एक कार्यकाल देश की जनता ने जो दिया है, इसमें भारत 370 किया कलंक भी देश के सदैव के लिए समाप्त हो रहा है। 3 तलाक की कुप्रथा सदैव के लिए समाप्त हो रही है। विदेशी घुसपैठे भारत से बाहर निकाल करके भारत के गरीबों के हक में जो लोग डकैती करते थे, अब वह नहीं होगा। भारत के गरीब का हक भारत के गरीब को प्राप्त होगा। यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार किया है। और आज उसी प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः माँ त्रिकुला देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अमर शहीद वीर बंधु सिंह को उनकी इष्ट देवी के स्थल पर उनको स्मरण करते हुए अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको शारदीय नवरात्र की हृदय से बधाई देता हूँ। माँ त्रिकुला देवी से आप सबके मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।